हे हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं प्यारे प्यारे बच्चे? एम आई विजिबल टू यू? यस सर, यू आर विजिबल. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू अ सुपर अमेजिंग सेशन. एक हम क्विज करने वाले हैं, ठीक है. वैसे तो मैं एक क्विज अनअकैडमी की ऐप जो हमारे पास अनअकैडमी क्विज है मैं उस पर लेकर आने वाला था, बट क्योंकि उसमें मैं थोड़ा सा प्रिपेयर नहीं कर पाया तो मैंने कहा नहीं यार, मेरे पास ऑलरेडी प्रिपेयर पड़ी हुई है तो मैं इसको आपको यहाँ पे करवा देता हूँ. तो आज ही हमारे पास बेटा क्विज है. किस पे? हमारे पास मेंटी पे. आज हम मेंटी पे ये वाली क्विज करने वाले हैं, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फाइनल क्विज है. इसके बाद जो हमारे पास फर्दर जो क्विजेज आएंगी वो हमारे पास अनअकैडमी की जो हमारे पास क्विज का प्लेटफॉर्म है, सुपर अमेजिंग प्लेटफॉर्म बेटा, वो सारी सारी क्विजेज उस पर ही आ रही होंगी. ओके, तो यहाँ पर आप मेरे बारे में जानते हैं. माय नेम इज रिशपाल एंड आई हैव डन एमएससी एंड बीएससी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, हैविंग 8 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. और इस इतने टीचिंग के टाइम पर बेटा मैंने करा, मैंने बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का, मल्टीपल स्टूडेंट्स का बेटा करवाया, मैंने सिलेक्शन करवाया मेडिकल कॉलेज में, ठीक है. और बहुत सारे बच्चों को अच्छी अच्छी रैंक दिलवाई है और बच्चे बहुत सारे मेडिकल कॉलेज से पढ़ रहे हैं, ठीक है जी. और लगभग 10,000 बच्चों को मैं अपने ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना. अपने ऑफलाइन कोचिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है. बाकी बात करूँगा तो बेटा आखिर लाखों में पहुँच जाएगा. तो चलते हैं जी, बात को आगे बढ़ाते हैं. आपने करना है बेटा, आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है. व्हेन यू इंस्टॉल इट, ठीक है, जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है, तो इंस्टॉल करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि व्हाट्स नेक्स्ट, आगे का क्या हमारे पास, ठीक है ना. तो उस पर आप क्या करेंगे बेटा, उस पर आप जाएंगे किसके बारे में, यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, लॉगिन करेंगे अपने नाम से, ठीक है ना. राहुल के नाम से मत करना, ठीक है ना, अपने नाम से लॉगिन करना भाई, ठीक है, जो भी आपका नाम है, ठीक है. ओके, तो प्लस पे क्लिक करेंगे. व्हेन यू गो ऑन दिस प्लस पार्ट, जब आप इस प्लस पार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम आपके पूछेगा कि आपका गोल क्या है, व्हाट इज़ योर गोल. तो बेटा आप लोग जानते हो योर ओनली गोल इज़ द नीट, ठीक है. तो उसी को क्या करेंगे, आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट योर गोल एज नीट. आगे बढ़ जाएंगे तो नेक्स्ट आएगा यहाँ पर हमारे पास क्या, गेट सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट. तो सब्सक्रिप्शन क्यों चाहिए आपको, ये वाली बात सबसे पहले आप यहाँ पे समझ लो, ठीक है. समझ लो बेटा, सब्सक्रिप्शन आपको इसलिए चाहिए क्योंकि देखो हमारे पास जो क्लासेस हैं बेटा, लगभग 30 घंटे ज़्यादा की क्लासेस रोज़ आप वहाँ पर चलती रहती हैं. 30 घंटे तो मैं बहुत कम कह रहा हूँ, अब तो बेटा मेरे ख्याल से 100 घंटे तो डेली क्लास चलती होंगी वहाँ पर, ठीक है ना. ओके, दूसरी बात, जो हमारे पास कोर्स है बेटा वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है. 56 टॉप एजुकेटर पुराना है, अभी मैं बताऊँ आपको तो बेटा यहाँ पर हमारे पास मोर देन 100 टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो इसका आप ध्यान दें, ठीक है. और हर महीने बेटा यहाँ पर एक नया कोर्स स्टार्ट होता है, मतलब कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं अब तो कोचिंग स्टार्ट हुए बहुत टाइम हो गया होगा, अब तो मैं बहुत पीछे रह गया हूँगा, ऐसा नहीं है बेटा. यहाँ पर हर महीने बेटा क्या होता है, अपना यहाँ पर एक नया कोर्स स्टार्ट होता है. इनफैक्ट नेक्स्ट मंथ से बेटा हम भी अपना एक कोर्स लेकर आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना. हम सब लोग बात कर रहे हैं, एक टीम बनाकर आपके लिए बहुत बेहतरीन कोर्स लेकर आएंगे, नीट 2021 और 2022 वाले बच्चों के लिए, ठीक है. तो सर, सब्सक्रिप्शन अगर हम लेंगे तो कितने टाइम की सब्सक्रिप्शन हमें लेनी चाहिए? तो बेटा मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सब्सक्रिप्शन लें कितने टाइम की, 12 मंथ की आप सब्सक्रिप्शन लें कम से कम. उसका रीज़न क्या है, क्योंकि बेटा देखो जब मैं आपको प्लस से पढ़ाऊंगा तो मुझे कोर्स को कंप्लीट करवाने में कम से कम लग जाएंगे कितने, 8 से 9 महीने लग जाते हैं मुझे कोर्स कंप्लीट करवाने में. वाली बात मैं हमेशा बताता हूँ आपको, ठीक है ना, क्योंकि एक मतलब चलो ठीक है, अगर मैं और मान लो गगन सर हम लोग दोनों मिलकर आपको करवाते हैं तभी भी बेटा हमें 8 to 9 मंथ लग जाएंगे, क्योंकि जूलॉजी और बॉटनी दोनों करवाना पड़ेगा, 11th और 12th दोनों का, ठीक है. तो इतना टाइम लग जाएगा पूरा बायो कंप्लीट करवाने में. फिर आप एक महीना उसकी रिवीजन भी करोगे, रिवीजन करोगे तो डाउट्स आएंगे तो मेरे से डाउट ही पूछोगे, ठीक है ना. फिर एक महीने में बेटा मैं आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करा करूंगा, और उसी महीने में बेटा मैं आपके साथ साथ क्या करवाऊंगा, टेस्ट सीरीज करवाऊंगा. बेटा टेस्ट सीरीज मेरे कोर्स में जब आप आओगे, ठीक है ना, तो बेटा ये आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी. मेरे वाली जो टेस्ट सीरीज है बेटा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है जी, पक्का. तो ये पार्ट ऐसे बन जाएगा हमारे पास. तो आप देखेंगे लगभग 10 से 11 महीने टोटल इस्तेमाल हो रहे होंगे पढ़ते टाइम, तो आपने करना है. इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप एक साल वाला 12 मंथ वाला क्या लें, सब्सक्रिप्शन लें, ठीक है. सब्सक्रिप्शन सर कितने का है बेटा, सब्सक्रिप्शन कॉस्ट 30,000 है, बट खुशखबरी ये है कि आप ये कोड अप्लाई करेंगे, दिस इज अ वेरी सिंपल कोड. व्हेन यू अप्लाई दिस कोड विशेष, दिस कोड विल गिव यू इंस्टेंटेनियस 10% डिस्काउंट, ठीक है ना. आपको बेटा तुरंत 3,000 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पे हो जाएगा, एंड दिस अमाउंट विल बिकम 27,000. और जो बच्चे क्लास 11th में, कहाँ पर है जो बच्चे क्लास 11th में, उनसे मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि आपने प्रिपरेशन करनी है, 2 साल प्रिपरेशन करनी है, तो बेटा अभी 2 ईयर्स वाला 24 मंथ्स वाला प्लान आप ऑप्ट करें, ठीक है. ये प्लान कितने का है हमारे पास, ये 36,000 का है, ठीक है. पर ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि मेरा कोड लगाने के बाद, विशेष कोड अप्लाई करने के बाद, दिस स्पेशल कोड विशेष कोड अप्लाई करने के बाद, दिस विल बिकम 32,400, ठीक है. मतलब यार देखो, रोज़े 40 रुपये में बेटा आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिल रहा है, ठीक है ना, डाउट क्लासेस मिल रही हैं, लाइव इंटरेक्शन मिल रही है, टीचर बेटा आपके सामने बैठा हुआ है, सब कुछ पढ़ा रहा है आपको, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है. एवरी फोर्थ क्लास इज अ डाउट क्लास, ऐसी फीचर्स आपको मिल रहे हैं. तो बेटा रोज़ के 40 रुपये मोमोज खाने से अच्छा है कि आप ऐसी पढ़ाई पर खर्च करें जिससे कल को अगर आप डॉक्टर बन जाएं तो आप बताएं यार कि मैंने ऑनलाइन पढ़ाई करी थी और ऑनलाइन पढ़ाई करके मैंने पेपर निकाला. समझ पा रहे हो, मैंने तुम्हारी तरह कोचिंग में 2-2 लाख रुपये फूके नहीं है, मैंने तो बस ऑनलाइन पढ़ाई ही करी है, ठीक है जी.
चलें आगे बढ़ें। ओके आगे बढ़ते हैं हमारे पास बेटा बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके पास बेटा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर नहीं 2020 की रिविजन थन आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। रिविजन एथन जो है हमारे पास स्टार्ट हो रहा है रिविजन के लिए, ठीक है। इसको आप ज्वाइन करें, लर्निंग ऐप पर आप आ जाएं, इंस्टॉल कर लें, ठीक है ना। सब्सक्रिप्शन चलो बाद में ले लेना, पर अभी इसकी इसको ज्वाइन कर लो आप, ठीक है ना। दिस इज अ स्पेशल क्लास, स्पेशल क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली है, इसको आप प्लीज़ 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 ज्वाइन करें, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी स्ट्रैटेजीज एंड मोटिवेशंस पहले दिन पर ये है, एक तारीख की बात कर रहा हूँ मैं। फिर 2 सितंबर से 8 सितंबर तक बेटा आपके पास क्या है, सात दिन है आपके पास, 24 एजुकेटर्स हैं, 65 सेशंस बेटा लेने वाले हैं, ठीक है। अनअकैडमी ऑल इंडिया ग्रैंड मॉक टेस्ट सीरीज बेटा आपको फ्री में मिल रही है, ठीक है ना। ये 9 तारीख को 9 सितंबर को सुबह 10 बजे होगी, इसका आप ध्यान देंगे। साथ ही साथ ये जो सब चीज़ें चलेंगी बेटा, सब सब्जेक्ट वाइज चलेंगी, मॉक टेस्ट होंगे, एनालिसिस होगा कब, लास्ट डे पर, और आप एनालिसिस के बाद आपको 10 दिन के बाद पता चल जाएगा कि यार अच्छा 13 सितंबर को तो मैं सेलेक्ट होने वाला हूँ और मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से टीचर्स आपको पढ़ाने के लिए आ रहे होंगे। सो बेटा जी हमारे पास टीचर्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ मेरे पीछे भी छुप जा रहे होंगे। मेरे पीछे पीयूष कमल सर, रक्षिता मैम, मोनिका मिश्रा मैम, ये मेरे पीछे छुप जा रहे हैं मेरे ख्याल से, और शायद एसके सर और एसके सिंह सर और डॉक्टर एसके सिंह सर और डीसी पांडे, रंजीत साहिब बेटा, सबसे बेहतरीन टीचर्स हैं बेटा, सबसे बेहतरीन टीचर्स हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आप इसको ज्वाइन करें, ठीक है। और 1 सितंबर से 8 सितंबर तक ये है, ठीक है जी, पक्का मुश्किल तो नहीं है बेटा, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है, आप इसको ज्वाइन करें। चलें जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये हमारी टीम है, आप हमारी टीम को ऑलरेडी जानते हैं, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बेटा आप क्या करो, आप ये हमारे टेलीग्राम ऐप जो है, इस पे जो चैनल है जैसनी चैनल, को ज्वाइन कर लो फटाफट, ठीक है। एंड लेट्स स्टार्ट विद द क्विज बेटा, क्या करते हैं अब हम क्विज को फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। सो क्विज इज हेयर, हमारे पास यहाँ पे क्विज यहाँ पर आ रही है, ठीक है, वो हमारे पास इस पर होती है। सो लेट्स स्टार्ट हेयर, चलो आ जाओ जी फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ। ओके सो बच्चे एकदम से आ भी गए यहाँ पर, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव एंटर्ड, बहुत स्पीड पे बच्चे आ गए हैं, ठीक है। सो बेटा कोड है हमारे पास 4768906 4768206। चलें आ जाओ भाई सभी लोग आ जाओ भाई, कोड डालेंगे, 20 क्वेश्चन है बेटा, टोटल 20 क्वेश्चन है, फटाफट आ जाओ। कोड इज 4768906, फटाफट जितने ही बच्चे हैं भाई कोड डाल देंगे, फटाफट आ जाओ। डॉक्टर सानिया स्पीड में आ जाएं। ओके विशाल कुमारी, आकाश कुहू, डॉक्टर सानिया, सभी लोग आ गए हैं, इज एवरीवन हियर। चलो तो बेटा स्टार्ट करेंगे, एक बार इसको शेयर कर दो सभी लोग इसको शेयर कर देंगे, और जितने बच्चे क्विज में जुड़े हैं बेटा सभी बच्चे करेंगे बेटा, वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें अभी के अभी, जितना आप लाइक करोगे बेटा उतनी ज़्यादा इसको वीडियो यूट्यूब प्रमोट करेगा, जितना प्रमोट करेगा उतने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना अच्छा आपको कॉम्पिटिशन मिलेगा यहाँ पर। एंड मैं आपको बता दूँ बेटा, टुडे इज़ द लास्ट टाइम दैट वी आर डूइंग दिस मेंटी क्विज, आज के बाद बेटा आपकी मेंटी क्विज मैं नहीं लूँगा, क्योंकि अब हमारे पास अपना आ गया ना यार, अब हमारे पास अनअकैडमी खुद अपना क्विज लेकर आ रखी है, तो हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है ना। एंड इट इज़ फार मोर बेटर देन द मेंटी सेशन। ओके चलें आगे, चलें जी आगे बढ़ते हैं। लास्ट बेटा, लास्ट 1 मिनट, फटाफट जुड़ जाओ जितने बच्चे जुड़ रहे हैं, 20 क्वेश्चंस हैं टोटल, वी हैव 20 क्वेश्चंस हियर। ओके 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, बी रेडी फॉर इट, आई होप सभी बच्चे जुड़ गए होंगे। द मैकेनिज्म यूनिवर्सली एक्सेप्टेड To describe the translocation of sugar from source to sink is, बेटा हमारे पास बॉटनी का सवाल है, फटाफट आप इसका आंसर दे दीजिए, ठीक है ना। कोड है 4768896। चलें काफ़ी आसान सवाल, आप लोग जानते हो इसका आंसर भाई, हाँ या ना भाई, पूरा बॉटनी के क्वेश्चन हैं, सारे सवाल आज बॉटनी के लेकर आया हूँ मैं, फटाफट बताएं, ऑल क्वेश्चन आर ऑफ बॉटनी, सारे क्वेश्चन बॉटनी के हैं। जाकिर खान बिल्कुल कोड से बताया आपने, कोड था 4768896। चलें सो द करेक्ट आंसर इज बेटा, मूवमेंट किस वजह से हुआ करती है बेटा, टर्जर प्रेशर की वजह से मूवमेंट हुआ करती है, आप जानते हैं टर्जर प्रेशर ग्रेडिएंट बनता है, जिस वजह से जो सोर्स होता है वहाँ पर शुगर ज़्यादा होती है, वहाँ पर लोडिंग होती है, फिर वो फ्लोएम के थ्रू नीचे ट्रैवल करता है, नीचे आके उसको डिलीवर कर दिया जाता है कहाँ पर,
सिंक पर, ठीक है ना, जिसको कहते हैं यहाँ अनलोडिंग। चले जी, सभी ने सही बताया। ओके, जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं बेटा, कोड डाल देंगे menti.com पर जाकर 47 68 96। चले अब देखते हैं कितने बच्चों ने उसका सही जवाब दिया है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तौसीन नंबर वन पर है, शशांक नंबर टू पर, गुरु, सकुरा, साई, अपनीट मेरा है, डॉक्टर सैंदी, मियाओ, डॉक्टर आशु, क्रिश्चियन मैथ्यू 650+ का टारगेट लेके चल रहे हैं ये, और अन MBGS, ये लगता है कि कोडॉन है। ठीक है, चले जी अगला सवाल हमारे पास आ रहा है दिव्या संजवान, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। चले भाई फटाफट आंसर देंगे। 47 68 96, आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम। बेटा इस डायग्राम को पहचानो, कर लिया, अब बताओ ये क्या है अपने पास। बेटा एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, दिस इज अ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, बताएं। रैसिमोस इनफ्लोरोसेंस, साइमोस इनफ्लोरोसेंस, वटी सिलेटेस्ट इनफ्लोरोसेंस, हम इसको नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, हाइपनथोडियम, बताएं जी हमारे पास कौन सा है, किस तरह का इनफ्लोरोसेंस है ये। चले 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 बताएंगे फटाफट। ओके, 40 स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड सो फार। बेटा कोड इज 47684906, बड़ा सा आंसर कोड है। एंड यस, कितने बच्चों ने सही आंसर दिया हमारे पास? बेटा बच्चों ने आंसर दिया हमारे पास 29 बच्चों ने, 43 में से सही आंसर दिया। दिस वाज़ द साइमोस इनफ्लोरोसेंस। साइमोस इनफ्लोरोसेंस में जो फ्लावर होता है बेटा, वो टर्मिनल पोजिशन पे आ जाता है और उसके बाद उसकी बेटा क्या होती है, ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, चलें देखते हैं कितने बच्चों ने सही बताई। मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने सही आंसर दिया होगा जो टॉप में थे हमारे पास, सिर्फ नहीं, सभी ने सही दिया है, और हिबा फातिम के जे, अर्पित जायसवाल, ये नए बच्चे हैं हमारे पास NMBGS, साइन इट मेरा यहाँ से बाहर हो गए हैं, म्याओ, शकुरा, गुरु और तौसीन, पूजा जैन वर्मा, एक न्यू एंट्री हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर रैंक नंबर 7 पर। ठीक है जी, चलें अगला सवाल बेटा, बेहतरीन सवाल है। अभी सिर्फ 2 क्वेश्चन हुए हैं, आप कोड डालकर आ सकते हैं 47 86 96। चले आए, C3 प्लांट शोज सैचुरेशन। बेटा इस साल के लिए आप इस सवाल को बेटा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये सवाल बेटा इस साल पेपर में एज इट इज पूछा जाएगा। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए वाला क्वेश्चन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग जुड़ते जाएं और बेटा कोड डाल देंगे 47 68 96। अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है ना, एनसीआर की लाइन से उठा के सवाल पूछा गया है। ये वाला टॉपिक है इसको बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ते हुए, बट मेरे ख्याल से बच्चे इसका सही आंसर देंगे। एंड लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गिवन द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड यस, मेजॉरिटी हैव गिवन द करेक्ट आंसर, बट 46 में से सिर्फ 18 बच्चे इसका सही जवाब दे पाए हैं। तो ये वाली बात बेटा बहुत ही, मैं बोलूँगा मतलब, चिंताजनक है। आप लोग ध्यान कर लेना कि CO2 प्लांट्स को जो C3 प्लांट्स को जो CO2 की कंसंट्रेशन चाहिए होती है, वो C4 प्लांट के कंपैरिजन में ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है जी, तो उनकी जो वैल्यू आती है बेटा कितनी आती है हमारे पास, 450 आती है। चलें जी, जो बच्चे अभी अभी आए बेटा कोड डालेंगे, कोड है 47 68 96। चलें तो बेटा देखो, 4 बच्चों ने, टॉपर ने गलत आंसर दिया है इसका। ओके, तौसीफ नंबर नीचे आ गए हैं, गुरु नीचे आ गए हैं, मियाओ एक बच्चा है, पता नहीं बच्ची है, वो नंबर 1 पर पहुंच गए हैं, सो इट्स अ गुड थिंग। चलें जी आगे आ जाएं, हाय ना। ओके ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, बी रेडी। 47 68 96, बताएं जी क्या आंसर है इसका फटाफट। इफ अ वेवलेंथ ऑफ अबव 680 इज अवेलेबल फॉर एक्साइटमेंट, द प्रोडक्ट, एक्साइटमेंट या एक्साइटेशन, ठीक है ना, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन विल बी, क्या होगा बेटा 680 नैनोमीटर। आप मुझे बताओ कि फोटोसिस्टम 1 में काम करते हैं, फोटोसिस्टम 2 में काम करते हैं। मैं आपको हिंट दे सकता हूँ ऐसे, अगर आप ये बता सकते हो फोटोसिस्टम 1 में काम करते हैं, फोटोसिस्टम 2 में काम करते हैं, तो आई थिंक आप इसका सही आंसर भी दे पाएंगे। ठीक है, चले जी बताएं। 45 बच्चों ने आंसर करा है इसका, देखते हैं। ओके, तो बेटा 680 नैनोमीटर पे बेटा काम करता है हमारे पास कौन सा, फोटोसिस्टम 2 हमारे पास काम करा करता है 680 पर। ठीक है, और बेटा हमारे पास क्या हुआ करता है यहाँ पर हमारे पास, नहीं बेटा ये वाला क्वेश्चन हमारे पास गलत हो गया है यहाँ पर, ठीक है ना, माफ़ कीजिएगा, इसका आंसर गलत मार्क हो गया है, लेट मी चेक, दिस क्वेश्चन हैज़ मार्क्ड रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो काम करता है बेटा हमारे पास यहाँ पे 680 पे बेटा फोटोसिस्टम 2 काम किया करता है, और फोटोसिस्टम 2 जब काम करेगा तो बेटा फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 दोनों ही काम करेंगे हमारे पास। ठीक है ना, स्कोल्डस, अरे नहीं, कोई बात नहीं, तो बेटा जो फॉर्मेशन होती है वो उसकी हुआ करती है। ठीक है जी, चलें आगे।
अगले साल की तरफ। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा कोड इज 4768906। आ जाओ फटाफट, आ जाओ फटाफट, आओ फटाफट। फाइंड आउट द रॉन्ग पेयर। बेटा ये एनसीईआरटी का सवाल है। आई होप आपने इस डायग्राम को ठीक से पढ़ा होगा। एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है और सबके क्रोमोसोम्स बता रखे हैं। आई होप कि आपने इस पर ध्यान दिया होगा। फ्रूट फ्लाई 8, एप्पल 36, राइस में 24 क्रोमोसोम और हाउस फ्लाई में 12। इनमें से कौन सा हमारे पास एक रॉन्ग पेयर है? देखो राइट नहीं पूछा हुआ, राइट तो बच्चे बता देते हैं, रॉन्ग पूछा गया है। बताओ जी आंसर। यस बेटा, कौन सा रॉन्ग है इसमें से हमारे पास? बेटा एप्पल रॉन्ग है। बेटा देखो फ्रूट फ्लाई में 8 होते हैं, राइस में 24 होते हैं और हाउस फ्लाई में बेटा 12 हुआ करते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली बात तो सारी सही थी, एप्पल में 36 होते हैं, ये वाली बात यहाँ पर क्या है, गलत है, दिस इज द रॉन्ग थिंग। ठीक है चलें आगे। यस 36 नहीं बेटा, उसमें 34 होते हैं, उसमें 34 होते हैं। आपने शायद वाली बात पढ़ रखी होगी, उसमें 34 क्रोमोसोम्स हुआ करते हैं, ठीक है। 42 स्टूडेंट्स में से देखते हैं कितने कितने बच्चों ने सही आंसर दिया हमारे पास। शशांक है नंबर 1 पर, तौसीफ जो नंबर 1 पे थे वो नंबर 2 पर आ गए हैं, साई नीटा मेरा है वापस चार्ट में एंट्री करते हुए नंबर 3 पर, सकूरा नंबर 4 पर है, पूजा जैन वर्मा ने थोड़ी सी ग्रोथ की नंबर 7 से, ये नंबर 5 पर आ चुके हैं लीडर बोर्ड में, अनाफ अहमद खान मियाओ कृष्ण मैथ्यूज़ वॉल्फ मिस्टर और के एच जे, इनका नाम मेरे ख्याल से ख्वाजा वगैरह कुछ रहा होगा, इन्होंने शायद इसलिए आंसर नाम पर ऐसा नाम रखा हुआ है। चलें जी आगे आते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग ऑन योर स्क्रीन, बी रेडी। 4768906 इज द कोड। प्लांट ग्रोइंग इन शेडी रीजन आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं हमारे पास ये? स्क्योफाइट्स, जीरोफाइट्स, एपीफाइट्स या हेलियोफाइट्स? बेटा बताओ फटाफट फटाफट फटाफट। बेटा हेलियो मतलब होता है सन, सन मतलब सनलाइट, ठीक है। एपीफाइट किसी के ऊपर उगना इज एपीफाइट, जीरो मतलब कि विदाउट वाटर और स्क्यो मतलब होता है क्या बेटा? अंधेरा। तो बेटा हमारे पास जो शेडी रीजन होते हैं बेटा वहाँ पे अंधेरा हुआ करता है, तो वहाँ पे जो रहेंगे बेटा उनको क्या कहेंगे कि हम स्क्योफाइट्स, सही है? ठीक है जी, हमारे पास स्क्योफाइट्स इज द करेक्ट आंसर, इसको हम स्कोटोफाइट्स भी कह सकते हैं। बेटा इट वॉज अ गुड क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन बेटा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ कि ये क्वेश्चन इस बारी के NTA के मॉक टेस्ट नंबर 102 में भी दे रखा है, ठीक है, तो आपको प्लीज़ पढ़ लें, ठीक है। प्लांट ग्रोइंग इन शेडी रीजन आर स्क्योफाइट्स या स्कोटोफाइट्स, ठीक है बेटा। आज का एनटीए कोड है हमारे पास, अगर आप देख रहे हैं तो 4786 68906। आप इस कोड को डालें और ज्वाइन करें बेटा क्विज को और फटाफट आ जाएं, ठीक है जी। तो देखते हैं बेटा, शशांक ने सही आंसर दिया है सोच समझ के, तौसीफ ने गलत आंसर दे दिया, तो तौसीफ के रैंक नीचे जाएगी और नीचे आ गए हैं वो नंबर 6 पर आ गए हैं, पूजा जिन वर्मा ऊपर आ गई हैं, साइनिटा मेरा नंबर 2 पर आ चुके हैं, सकूरा भी नंबर 3 पर आ चुकी हैं, ठीक है, और डॉक्टर एलियाना खान नंबर 10 पर एक न्यू एंट्री हमें नज़र आ रही है इस चैट में, ठीक है जी। चलें बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, रेडी फॉर इट। कोड इज 4768906। इनमें से कौन से बेटा हमारे पास, इनमें से कौन एक हेट्रोस्पोरस है? ड्रैप्टेरिस, साल्विनिया, अडेंटम या इक्विस्टम? बेटा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, पढ़ो और आंसर दे दो। आपको पता है कि हमारे पास एल्गा, ब्रायोफाइट्स, ट्राइडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में से कौन से हेट्रोस्पोरस हुआ करते हैं? अगर आपको वाले पता है तो आपको उसका एग्जाम्पल ही पता होना चाहिए, और एग्जाम्पल पता है तो आप उसका इसका आंसर दे सकते हैं। चलो जी बताओ जी फटाफट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बेटा आज लास्ट टाइम एंटी हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना। साल्विनिया बेटा करेक्ट आंसर है, साल्विनिया हमारे पास क्या हुआ करता है? हेट्रोट्रॉफ हुआ करता है, बिल्कुल ठीक है। काफ़ी आसान सवाल और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। आज बेटा हमारे पास लास्ट टाइम एंटी हो रहा है, क्योंकि अब हमारे पास बेटा हमारी अपनी एक क्विजिंग ऐप है, आपने सुना होगा अनअकैडमी क्विज, ठीक है। आज बेटा मैं उसको किसी वजह से यहाँ पर एस्टेब्लिश नहीं कर पाया, ठीक है ना, इसको यहाँ पर सेटिंग करनी थी, वो सेटिंग आज पूरी नहीं हो पाई, तो अनफॉर्चुनेटली फिर मुझे यहाँ पर मेंटी लेकर आना पड़ा। बट आई होप कि आपको मेंटी भी यहाँ पर पसंद आ रहा होगा, और जब मैं कल वाली लेकर आऊँगा, कल मैं शाम को उस पर भी एक क्विज लेने वाला हूँ शाम को 8 बजे, तो आई होप कि आपको वहाँ पर मज़ा आएगा, ठीक है। आई एम नॉट होपिंग, आई एम श्योर दैट यू विल गोइंग टू एन्जॉय इट, ओके। चले जी तो आ जाएं, कृष्ण मैथ्यूज, तौसीफ बेटा गलत बोल गया आंसर, इसका आंसर भी इन्होंने गलत दिया, नीचे आ गए हैं या और नीचे आ गए हैं। खुशबू एक नया नाम नज़र आया है, शशांक नंबर 1 पर आ चुके हैं, शशांक बेटा बहुत अच्छा खेल रहे हो आप, साई नंबर 2 पर है, सपूरा नंबर 3 पर और पूजा जैन वर्मा नंबर 4 पर है, ठीक है, गुड।
चलें जी, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ जाओ फटाफट। मुझे पता है बेटा आप लोग बहुत कहते हो मुझे मेंटली लेने के लिए, मेंटली लेने के लिए। आपका मेरे ख्याल से मेंटली से ज़्यादा जो ध्यान होना चाहिए वो होना चाहिए किस पे? क्विज पे, ठीक है। और क्विज में बेटा आपके लेकर आऊँगा अन अकेडमी क्विज वाले पार्ट पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबसेंट इन पॉलीट्रीड वाटर, इनमें से कौन एक पॉलीट्रीड वाटर में एबसेंट हुआ करता है? हाइड्रिला, वाटर हायसिंथ, लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई या ब्लू ग्रीन एल्गा? बेटा मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे इसका आंसर गलत करने वाले हैं। मैनी ऑफ यू हैव गोइंग टू गिव द रॉन्ग आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सोच समझ के बोलना भाई। बच्चे इसका आंसर मेरे ख्याल से हाइड्रिला देंगे। वो कहेंगे कि हाइड्रिला हमारे पास क्या होता है? फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है। चलो चलो, बहुत अच्छी बात है, सही आंसर दिया। हाइड्रिला बेटा फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल ठीक है। पर ये पॉल्यूटेड वाटर में पाया जाता है। इनफैक्ट ये बेटा ये वाटर को क्या करता है? साफ करता है। क्या करता है? ये साफ करता है। इसको हम हाइड्रो रेमेडिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं हम हाइड्रो रेमेडिएशन। ये उसमें से मेटल आयंस को एब्जॉर्ब करता है और पॉल्यूटेड वाटर को साफ करा करता है। बट जो स्टोन लार्वा का, जो स्टोन फ्लाई का जो लार्वा है, वो कभी बेटा हमारे पास पॉल्यूटेड वाटर में पाया नहीं जाता, ठीक है। सो देखते हैं कितने बच्चों को इसकी बात पता थी। हाउ मैनी हैव यू न्यू द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? लेट्स चेक। 45 में से 3 बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया है। शशांक ने गलत दे दिया इसका आंसर। ओ शशांक नीचे आ गए। साई एक बच्चा ये नंबर 1 पर आ चुका है, शकुरा नंबर 2 पर, और पूजा जैन वर्मा नंबर 3 पर आ चुकी हैं। टॉप 3 में हैं अफनाफ अहमद खान नंबर 4 पर और शशांक नंबर 5 पर। तौसीफ ने आंसर सही दिया है, तौसीफ नंबर 6 पर बने हुए हैं। मियाऊ जो थोड़ी देर पहले नंबर 1 पे थी, अब वो नंबर 6 पर आ गई हैं। खुशबू नंबर 8 पर है, नंबर 7 पर आ गई मियाऊ, खुशबू नंबर 8 पर है, ख्वाजा नंबर 9 पर और डॉक्टर सैन जी नंबर 10 पर है, ठीक है जी। चलें तो देखते हैं कि क्या आंसर दे रहे हो आप लोग इसका। एक नया सवाल आपके पास, 4768906 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इनमें से कौन सा एक पेयर बेटा रॉन्गली मैच्ड है? इनमें से कौन सा एक पेयर हमारे पास रॉन्गली मैच्ड है? ये सवाल थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, बट आई होप यू विल बी एबल टू गिव द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फंगस में काइटिन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, बैक्टीरिया में लिपोपॉलीसेकेराइड्स और एंडोडर्मिस में सुबेरिन। गौरव कुमार, गिव मी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 42 स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड सो फार, इनफैक्ट 43 हैव आंसर्ड येट। बेटा फंगस में काइटिन होता है, एन ग्लूकोसामाइन आप जानते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स हुआ करते हैं, ठीक है ना, लेसिथिन प्रेजेंट होता है वहाँ पर, और एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं जो सुबेरिन की बनी होती है, ठीक है। आप लोगों ने गलत आंसर दिया है बेटा। एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं जो हमारे पास किसकी बनी होती है? हमारे पास बनी होती है बेटा किसकी? हमारे पास ये सुबेरिन की। तो बेटा बैक्टीरिया में बेटा लिपोपॉलीसेकेराइड्स नहीं होता, ये वाला हमारे पास एक मिसमैच था। मेजॉरिटी बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया है, आप देख पा रहे हो। सिर्फ 44 में से सिर्फ 17 बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है। देखो यार, चलो खैर देखते हैं कितने बच्चे हो गए गलत देने वाले। टॉप 10 में से कितने होती है? लेट्स चेक। साई नीचे आ गए हैं, अनाफ अहमद, तौसीफ और खुशबू, ये बेटा गलत देने वाले हैं। खुशबू तो मेरे ख्याल सकता है, ओके। तो सकूरा आप नंबर 1 पर आ गए हैं और पूजा जनवर नंबर 2 पर, शशांक नंबर 3 पर, साई नीटा मेरा नंबर 1 से सीधा नंबर 4 पर ये पहुंच चुके हैं, ठीक है जी। चलें आगे, ओके बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन फटाफट आ जाओ। जो बच्चे अभी भी जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ बेटा, जाएं और menti.com पर खोलें, menti.com खोलें और बेटा कोड डालें वहाँ पर जाके 4768906। बताएं इनमें से कौन सा प्रोडक्ट जो है, ठीक है ना, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द कैटलिस्ट मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस। मैलिक एसिड पे काम करने के बाद जो मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस काम कर लेता है मैलिक एसिड पे, तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बना करता है? मैलिक एसिड, फ्यूमैरिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या सक्सेनिक एसिड? बेटा बताओ फटाफट। बेटा आपने फॉर्मूला सुना होगा, कास्मो सिट्रिक एसिड, अल्फा केटोग्लुटारिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, मैलिक एसिड और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो बेटा मैलिक एसिड के बाद हमारे पास आया करता है कौन सा हमारे पास? बेटा क्या कर रहे हो यार, ये क्या कर रहे हो? मैलिक एसिड के बाद आया करता है हमारे पास कौन सा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो मैलिक एसिड में मैलिक डिहाइड्रोजिनेस काम करता है और मैलिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है वो किसमें? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। दोनों ही 4 कार्बन के एसिड हुआ करते हैं। एंड बेटा आपकी तैयारी में थोड़ा सा मुझे गड़बड़ नजर आ रही है अब, कि आप लोग इतने सिंपल सवाल का आंसर गलत दे दे रहे हो। मिसक्लिक हो गया है बेटा, मिसक्लिक ही कहेंगे, पर पेपर में तो सवाल गलत हो गया ना पूछा। तो देखते हैं कितने बच्चों ने गलत आंसर दिया इसका। ये देखो 10 में से 7 बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया, सिर्फ खुशबू ने इसका आंसर फटाफट दिया था, बाकी बच्चों ने पढ़कर आंसर दिया है इसका। ये देखो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड वाला था करेक्ट आंसर, बट रैंक में कोई खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सबने गलत दिया है, तो क्या फर्क पड़ेगा भाई,
ठीक है, एक दो ने गलत दिया होता तो कुछ रैंक ऊपर नीचे होती, सभी ने गलत दिया तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अभी भी सकुरा नंबर वन पर, पूजा नंबर टू पर, शशांक नंबर थ्री पर, साई नंबर फोर पर। चलो जी भाई, कैसा लग रहा है आपको ये क्विज, कैसा लग रहा है? इफ़ यू लाइकिंग दिस क्विज, ठीक है ना, अगर आपको क्विज पसंद आ रहा है तो बेटा इस क्विज को दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। अ साउंड ऑफ डैश डेसिबल इज जनरेटेड बाय द टेक ऑफ अ जेट प्लेन। जब एक जेट प्लेन टेक ऑफ करता है, ये क्वेश्चन नॉइस पॉल्यूशन से है, एनवायरमेंटल इशूज से, जो हमारे पास है कौन सा इकोलॉजी वाला पार्ट है, ठीक है ना, और क्योंकि वो बॉटनी में आता है इसलिए यहाँ से मैं सवाल इसको लेकर आ रखा हूँ। तो कितना डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस होता है बताएं, 80, 50, 100 या 150? हाउ मैनी, हाउ मच? बेटा देखो नॉइस पॉल्यूशन तो होता है, इस वाली बात को तो आप जानते हो, ठीक है। सो अ साउंड ऑफ हाउ मैनी डेसिबल्स, बताओ 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 फटाफट। मेरे ख्याल से सभी ने इसका आंसर सही दिया होगा, या सभी ने सही दिया इसका आंसर। तो बेटा 150 डेसिबल्स का साउंड प्रोड्यूस होता है, इट जनरेटेड व्हेन द प्लेन टेक ऑफ, ठीक है ना। और आपने सुना होगा आजकल एक सुपरसोनिक बूम के बारे में भी एक बात चल रही है, जब हवाई जहाज उड़ता है एकदम से, ठीक है ना, तो साउंड की स्पीड से तेज निकल जाता है, तो एक सुपरसोनिक बूम भी क्रिएट होती है। अभी थोड़े दिन पहले बैंगलोर में इंडियन एयरफोर्स के जेट सुपरसोनिक जेट को चेक करा जा रहा था, तब जाके ये पता चला, ठीक है, एक बहुत तेज साउंड प्रोड्यूस हुआ और लोगों के घर के शीशे भी टूट गए थे। किसको याद है वाली बात? बेटा बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। तो सकुरा नंबर वन पर, शशांक नंबर टू पर, साई बिचारे नंबर फोर पर है हमारे पास, गलत दिया उन्होंने आंसर, ठीक है, और नंबर सिक्स पर आ गए हैं। साई बेटा आपको थोड़ा सा अजीब लगता होगा कि वो बाकी सारी क्विज में आप जीतते रहते हो, इस क्विज में बेटा आप थोड़े से पीछे हो जाते हो, हैं बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं क्विज क्वेश्चंस को ना बड़ा तरीके से एडजस्ट करता हूँ, मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को लगाता हूँ, मुझे पता है कि बच्चा किस टाइम पर बच्चा सबसे कंफर्टेबल होगा और किस टाइम पर सबसे ज़्यादा वो इग्नोर करेगा चीज़ों को और गलत आंसर देगा, ठीक है। चलो जी, जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं बेटा, वो बेटा कोड डालेंगे 47, 68, 96 और इस सवाल का जवाब देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर वाटर पॉलिनेटेड। ऐसा सवाल मैं आपसे ऑलरेडी एक बार पूछ चुका हूँ, तो ऑप्शन आर जूस्टेरा, वेलिसिनेरिया, हाइड्रिला या ये सभी। हाँ बताओ 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 स्पीड में, जूस्टेरा, वेलिसिनेरिया, हाइड्रिला या ये सभी के सभी। बच्चों ये तो पता है, कहते हो सर वेलिसिनेरिया तो होता है, और बच्चों को शायद ये भी, कुछ बच्चों को ये पता होगा कि सर जूस्टेरा तो होता ही होता है, अब बच्चे कन्फ्यूज हाइड्रिला है कि नहीं है। अरे हाइड्रिला भी है, तो बेटा सारे ही हैं ये, ऑल थ्री, जूस्टेरा, वेलसिनेरिया, हाइड्रिला, केरेटोफाइलम, दे ऑल आर वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 30 स्पीसीज में ही देखने को मिलता है, 30 जीनस में ही देखने को मिला करता है ये वाटर पॉलिनेशन, तो इसके नाम बेटा बहुत कम है, तो आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए, ठीक है। चले देखते हैं कितने बच्चों ने सही आंसर दिया इसका। सभी ने सही दिया सिर्फ खुशबू को छोड़कर, खुशबू ने मेरे ख्याल से इसका आंसर वेलसिनेरिया दे दिया होगा हड़बड़ी में, और ऐसे चल रहा है और अच्छी कंपटीशन चल रहा है पूजा जैन वर्मा और सकुरा के बीच में, ठीक है। हमारे पास साई नंबर सिक्स पर हैं, ठीक है जी, और अच्छा कर रहे हैं, भी अच्छा कर रहे हैं। अनाफ अहमद नंबर फाइव पर, ठीक है ना, ख्वाजा नंबर फोर पर और शशांक नंबर थ्री पर, ठीक है जी। चले बेटा अगला सवाल, बेटा हमारे पास अगला सवाल आने वाला है किससे, बेटा बॉटनी के सवाल चल रहे हैं, बेटा जूलॉजी नहीं आएगा, डोंट वरी, जूलॉजी का कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये क्वेश्चन इकोलॉजी से है। डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स, एस्टुरीज एंड एल्पिन मिडोज आर एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी या इन सभी में। बताएं भाई, बताएं फटाफट फटाफट स्पीड में। बेटा किसका एग्जाम्पल है, किस तरह की डाइवर्सिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो अच्छे अभी अभी जुड़े हैं बेटा, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि बेटा कोड डालेंगे 47, 68, 90 and 6, ठीक है, ये कोड है, इस कोड से आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और आप अमेजिंग क्विज को हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी बॉटनी में अपना लेवल आप इवेल्युएट कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो बेटा ये जो हमारे पास डेजर्ट हो गया, रेन फॉरेस्ट हो गया, मैनग्रोव्स हो गए, कोरल रीफ्स हो गए, वेटलैंड्स हो गए, एस्टुरीज हो गए, एल्पिन मिडोज हो गए, दे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इको, हमारे पास सारे के सारे क्या हमारे पास इको सिस्टम्स हैं। सो दिस टाइप ऑफ वॉट डाइवर्सिटी इज नोन एज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो देखते हैं कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, लेट्स चेक। सकुरा ने और शशांक ने, सकुरा ने गलत आंसर दिया है, बाकी पूजा जैन वर्मा नंबर वन पर आ गई है मेरे ख्याल से इसके बाद। यस, पूजा जैन वर्मा इज ऑन नंबर वन, इस बच्ची की तैयारी बहुत अच्छी हो रखी है एंड शी इज गोइंग टू गेट द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। साई नीटा मेरा ये भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, बट आज थोड़ा सा हमारे पास ये नीचे आ गए हैं, ओके जी। चलें
आगे बढ़ती हैं। शीतल, अपने पास एक नई बच्ची आई है नंबर 10 पर, एन के नंबर 9 पर है, खुशबू नंबर 8 पर बनी हुई है, म्याओ नंबर 7 पर है, ये भी अच्छा खेल रही हैं। शशांक से काफ़ी अच्छी लीड बना ली है कि इन्होंने, पूजा जैन वर्मा ने, ठीक है जी। आते हैं सपूरा बेटा, सही आंसर देना सवाल का, आपके पास चांस है वापस नंबर 1 की कुर्सी लेने का अपनी, ठीक है। तो कोड है बेटा 4768906, ए काइमेरिक डीएनए इज, ये सवाल एनसीईआरटी के बाहर से मैंने पूछा ही वाला, जेनेटिक्स से सवाल पूछा हुआ है, जेनेटिक्स बेटा हमारे पास इसका ही पार्ट है, तो फटाफट बताएं, हमारे पास फटाफट बताएं, डीएनए विच कंटेन यूरेसिल, डीएनए सिंथेसाइज फ्रॉम आरएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या डीएनए विद विच कंटेन्स सिंगल स्ट्रैंड, व्हाट इज ए काइमेरिक डीएनए। आई होप आपको इसका आंसर पता होगा, व्हाट इज ए काइमेरिक डीएनए क्या होता है बेटा, पता होनी चाहिए, क्योंकि जेनेटिक्स में अगर अब इसमें वाला सवाल मतलब लेवल बढ़ाया तो यहाँ से सवाल पूछ सकता है। ओके, हमारे पास एक आईमेरिक डीएनए इज बेसिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जब हम किसी डीएनए में बेटा बदलाव कर देते हैं, चेंजेस ले आते हैं, सो दैट डीएनए इज नोन एज एक आईमेरिक डीएनए। ये सवाल बेटा बायोटेक्नोलॉजी से पूछा जाता है, ठीक है। 49 में से 21 बच्चों को इसका आंसर पता था, बाकी सभी बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया है, बड़े ही दुख की बात है यहाँ पर, ठीक है। तो देखते हैं कितने बच्चों ने सही दिया, हमारे पास पूजा ने सही दिया है, शशांक, सकूरा, इन सब ने सही आंसर दिया है, अनफ अहमद खान, के एच जे गलत दिया है, वुल्फ मिस्टर नंबर 10 पर आ गए हैं, शीतल एक रैंक ऊपर आ गई हैं नंबर 9 पर, खुशबू नंबर 8 पर ही बनी हुई हैं, ठीक है ना। के एच जे एक पीछे आ गए हैं, अनफ अहमद खान थोड़ा नीचे आए हैं, म्याओ ने इम्प्रूवमेंट करी है, साइन इट भी टॉप 5 मतलब वापस आ चुके हैं। चलें जी बढ़ जाएंगे सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, बी रेडी फॉर इट, बॉटनी का पूरा सेशन होने वाला है आज, यहाँ पर कोड डाल देंगे बेटा 4768906, 4768906 रजिस्टर बेटा, ये स्ट्रक्चर ये हमारे पास है बेटा, किससे, स्ट्रेटजीज फॉर द एनहांसमेंट इन द फूड प्रोडक्शन में जो चैप्टर है हमारे पास, बॉटनी वाला जो पोर्शन है उससे वाला सवाल मैंने उठाया है यहाँ से, जिससे कि एक अच्छा बैलेंस बना रहे। बताएं, कहता है रजिस्टेंट टू जैसिड्स इन कॉटन एंड सीरियल लीफ बीटल इन वीट इज ड्यू टू, किस वजह से हुआ करता है ये, सॉलिड स्टेम, हेयरी लीफ, नेक्टरलेस नेचर, या बोथ ए एंड बी, बताएं बेटा। आंसर देना है आपने यहाँ पर, कमेंट्स में नीचे आंसर देने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पर बेटा, हेयरी लीफ इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल हमारे पास एनटीए में दे रखा है, जिन बच्चों ने एनटीए का पेपर सॉल्व करा होगा उनको पता होगा द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वॉज हेयरी लीफ। हेयरी लीफ की वजह से बेटा जो जैसिड्स हैं कॉटन में, ठीक है ना, क्या करते हैं, और जो सीरियल लीफ बीटल है वीट में बेटा क्या करते हैं, उनको तंग नहीं करते हैं। तो इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, ये वाला बेटा हमारे पास क्या था, बहुत बेहतरीन सवाल था, ठीक है जी। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, कोड है अपने पास 476890, और देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन का हेयरी लीफ किस किस ने आंसर दिया था हमारे पास। चलो जी, तो रैंकिंग चेंज है, शशांक नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं, पूजा जैन वर्मा नंबर 2 पर आ गई हैं, शकूरा नंबर 3 पर हैं, और शकूरा और पूजा जैन के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, शकूरा अगर एक सवाल का जवाब थोड़ा तेज देंगी तो वो आगे बढ़ सकती हैं, ठीक है जी। ओके, खुशबू नंबर 7 से नंबर 8 से नंबर 10 पर आ गई है, वुल्फ मिस्टर अच्छा इंप्रूव कर रहे हैं, शीतल नंबर 10 से नंबर 8 पर आ चुकी हैं। ओके बेटा, जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं हमारे साथ उनसे कहना चाहता हूँ, पहला काम यह करेंगे बेटा, menti.com पर जाएंगे और जाके कोड डालेंगे 476890, बड़ा सिंपल सा कोड है 476890, कोड डालो इसको, इसमें ज्वाइन हो जाओ, अभी भी बॉटनी के बहुत सारे सवाल हमारे पास बचे हुए हैं, ठीक है। चलो आ जाओ शुरू करें। ओके, अगला सवाल ऑन योर स्क्रीन, देखते हैं कि लगभग पूछते 50 से 50 बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। ये सवाल हमारे पास एक बेहतरीन सवाल आने वाला है, ठीक है, इतना इतना बेहतरीन सवाल है कि आसान तो बहुत है, पर देखो फिर भी बच्चे इसका गलत आंसर देंगे हमारे पास, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। बच्चे बहुत सोच समझ के आंसर दे रहे हैं, लगता है बच्चों ने वाला सवाल पहले देखा नहीं है कभी। बताओ 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 क्या आंसर है भाई इसका, व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। माइक्रोस्पोर पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, या मेल गैमेटा मैच्योर मेल गैमेटोफाइट टू सेल पॉलन ग्रेन ऑफ एंजियोस्पर्म रिप्रेजेंट्स पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। बेटा जब पॉलन ग्रेन गिरता है तो बेटा वो 3 सेल स्टेज में गिरा करता है, और उसको हम कहते हैं कि मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, ना तो कहलाता हमारे पास क्या
पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट्स वाले बात का आप ध्यान रखो बेटा, ये अपने आप में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में बेटा, एज इट इज पूछा जाएगा आप लोग उसका आंसर मैच्योर मेल गैमेटोफाइट क्यों दे रहे हो, उसका आंसर था बेटा हमारे पास ऑप्शन बी पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है ये वाली बात आप उसको पढ़ेंगे तो। चले आते हैं आगे हमारे पास, देखते हैं कितने बच्चों ने सही आंसर दिया, इसका रैंक में चेंजेस आएंगे। पूजा ने गलत आंसर दिया, अच्छा पूजा ने नहीं, छः बच्चों ने गलत आंसर दिया है, बाकी सभी बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है, छः बच्चों ने गलत दिया बाकी चार बच्चों ने आंसर सही दिया इसका। ओके शशांक नंबर वन पर हैं, काफ़ी अच्छी लीड बना चुकी है हमारे पास, साई तो और पीछे निकल गए हैं, हमारे पास नंबर एट पर आ गए हैं, ठीक है। पूजा नंबर टू पर हैं, सकूरा नंबर थ्री पर, म्याओ नंबर फोर पर, अनफ अहमद खान नंबर 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 फाइव पर, के एच जे नंबर सिक्स, शीतल नंबर सिक्स पर आ गई हैं, नहीं नंबर सेवन पर आ गई है, बहुत अच्छी बात है, नंबर टेन से आ रही है धीरे धीरे इंप्रूव करती करती है, ठीक है जी बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो शीतल, आप ऐसे ही करते रहो। चलो अच्छा आते हैं आगे, द कोड फॉर दिस क्विज इज 47 68 906, कोड डालें और आ जाएं, बताएं जी इस बेटा ये सवाल मैं पहले पूछ चुका हूँ आपसे, इसका आंसर दो, पता नहीं मैंने स्पेशल क्लास से पूछा है कहाँ पर पूछा है, फटाफट बताओ। पेरिसाइकल वस्कुलर बंडल पिट पिथ या एंडोडर्मिस, बताएं जी काफी आसान सवाल, सोच समझ के बच्चे आंसर देने में लगे हुए हैं इसका, देखते हैं सभी बच्चे आंसर दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। ओके 49 बच्चों ने आंसर दिया है इसका, और बेटा जो हमारे पास स्टिल हैं इंक्लूड इन ऑल एक्सेप्ट, किसमें बेटा ये हमारे पास प्रेजेंट नहीं हुआ करते हैं, बताओ क्या हो रहा है, लोड ले रहा है ये, लोडिंग हो रही है बेटा, क्या क्या यस बेटा एंडोडर्मिस में बेटा ये प्रेजेंट ये नहीं होते हैं, बाकी पैरासाइकिल में वस्कुलर बंडल में और पिथ में बेटा ये प्रेजेंट हुआ करते हैं। इट वॉज अ वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन एंड आप सभी ने इसका आंसर बिल्कुल ठीक दिया है। चलें जी देखते हैं टॉप टेन में से कौन से बच्चे ने उन्होंने आंसर सही दिया है, लगभग सभी बच्चों ने सही दिया है, सिर्फ शीतल साइनिटा मेहरा और वुल्फ मिस्टर ने को छोड़कर बाकी सभी ने इसका आंसर सही दिया है। ओके गुड ग्रेट थिंग भाई, बहुत बढ़िया बात, चलें जी आगे बढ़ें। ओके आगे आते हैं बेटा, थोड़ी सी मेरे ख्याल से यहाँ पर वो होनी शुरू हो गई है, क्या कहते हैं बफरिंग होनी शुरू हो गई है, ठीक है आई होप कि आपको ये वाली बात समझ आ रही होंगी। चलें बेटा सवाल थोड़ा सा लंबा है, आराम से पढ़ो और आंसर दो इसका। बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट मैनी एलिदर फ्री और इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड विच ऑफ द विच फॉर्म ऑफ द कंपाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन, हमारी बॉडी में से कौन सी एक चीज़ है जो नहीं पाई जाती है, सिंपल सा सवाल ये पूछा गया है, सिलिकॉन मैग्नीशियम आयरन या सोडियम, बताएं फटाफट बताएं भाई फटाफट बेटा, जो चीज़ में से नहीं पाई जाती है बेटा वो कौन सी है, बेटा वो है सिलिकॉन, सिलिकॉन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन आर बॉडी, हमारी बॉडी में सिलिकॉन लगभग लगभग ना के बराबर हुआ करता है, ठीक है जी चलें आगे बढ़ जाएं, मुश्किल तो नहीं है हाँ या ना, अरे मैग्नीशियम होता है यार बॉडी में, क्या बात कर रहे हो, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, सोडियम भी होता है, सिलिकॉन बेटा नहीं होता, सिलिकॉन क्यों होगा, क्या जरूरत, क्या सिलिकॉन की कोई जरूरत नहीं है सिलिकॉन की बॉडी में हमारी, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, टॉप टेन में से पाँच बच्चों ने सही दिया है और पाँच बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया है, हद हो गई बिल्कुल यार, किसने पढ़ाया आपको कि सिलिकॉन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, हु टोल्ड यू दिस, सिलिकॉन नहीं होता बॉडी में प्रेजेंट यार हमारी, क्या कर रहे हो आप लोग, शशांक ने आंसर सही दिया है इसका, शशांक इज गुड ही इज प्लेइंग गुड। चलो अगला सवाल, जो अच्छे अभी अभी जुड़े हैं बेटा कोड डालेंगे 47 68 906, ये मत सोचो कि बहुत सारे सवाल निकल चुके हैं, आप सिर्फ ये देखो कि क्या अभी ज्वाइन करने के बाद क्या अभी थोड़ी बहुत रिवीजन हो सकती है, इफ यस अगर थोड़ी बहुत रिवीजन हो सकती है तो बेटा आप ज्वाइन कर लो फटाफट फटाफट फटाफट, द प्लांट सेल्स लैक सेंट्रियोल एस्टर स्पिंडल फाइबर या सभी, बच्चों ने इसका आंसर या तो सेंट्रियोल दे दिया होगा या एस्टर दे दिया होगा या बच्चों ने इसका आंसर दिया होगा स्पिंडल फाइबर्स, बढ़िया वाली बात। चलो बेटा ये सभी चीज़ें बेटा एब्सेंट होती है किसमें से, प्लांट सेल में से, प्लांट सेल में ना तो सेंट्रियल होता है ना एस्टर्स होते हैं और ना ही स्पिंडल फाइबर्स होती हैं, ये सभी चीज़ें एब्सेंट हुआ करती हैं, मैं बोल रहा था बच्चों ने इसका आंसर सेंट्रियल या स्पिंडल फाइबर्स दिया होगा और बच्चों ने ऐसे ही करा है, तो दिस क्वेश्चन आपने बेटा गलती कर दी, ये सिंपल सवाल एनसीईआरटी से पूछा गया था, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था ये, आपने चीज़ों को निकालना था अलग अलग चैप्टर से, ठीक है ना, सेल साइकिल सेल डिवीजन में से आपने इसको निकालना था उसका आंसर देना था। सो देखते हैं कौन है वो महारथी जिन्होंने इसका आंसर गलत दिया है, लेट्स चेक देयर नेम,
शशांक महारथी हैं उनमें से, अनाफ अहमद और मियाओं, ये तीन महारथी मुझे नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा और कुछ महारथीज भी रहे होंगे ज़रूर और ज़रूर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो जी। तो शशांक और पूजा जैन वर्मा के बीच का जो डिफरेंस है वो कम हो गया है। सकूरा बेटा थोड़ा सा तेज आंसर दोगे तो आप पूजा जैन के आगे निकल सकते हो, ठीक है ना। अहनाफ अहमद, ख्वाजा और मियाओं, ये नीचे है हमारे पास। वुल्फ मिस्टर, क्रिश्चन, शीतल यहाँ से बाहर हो चुकी हैं। क्रिश्चन मैथ्यू 650 प्लस ये आगे आ गए हैं हमारे पास। जो एक बच्चा था साइन ईटा मेरा है जो बोल रहा था बेटा, वो यहाँ से बाहर हो गया है। अविनाश और खुशबू, ओके चले जी। अगला सवाल ऑन योर स्क्रीन, बी रेडी। द कोड इज 4768906। पीट मॉस बेटा, पीट मॉस जो हमारे पास है इज यूज्ड एज पैकेजिंग मटेरियल फॉर द शिपमेंट ऑफ फ्लावर्स। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ऑफ फ्लावर्स एंड लाइव प्लांट्स टू डिस्टेंट प्लेसेस बिकॉज, क्यों यूज होता है ये, क्या प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, क्या प्रॉपर्टी होती है? अगर प्रॉपर्टी पता है तो उसका आंसर आप दे सकते हैं। बताओ बताओ बताओ, हाँ स्पीड में बफरिंग हो रही है थोड़ी सी, कोई बात नहीं। बेटा जो पीट मॉस है इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करता है, ये एटमॉस्फेयर से, किससे बेटा हमारे पास, ये एटमॉस्फेयर से बेटा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो दिस इज हाइग्रोस्कोपिक, क्या है हमारे पास, ये हाइग्रोस्कोपिक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं कितने बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। बफरिंग थोड़ी ज़्यादा ही हो रही है क्या, ऐसा क्यों हो रहा है, इंटरनेट तो सही चल रहा है, बफरिंग है। चलो देखते हैं, पूजा ने गलत आंसर दिया हमारे पास, सकूरा ने सही दिया है, सकूरा नंबर टू पर निकल गई हैं। एंड बेटा इसको बेटा यहाँ पर हमारे पास विन कर रहे हैं कौन, इस चीज़ को कौन जीत रहे हैं हमारे पास, इसको इसको जीत रहे हैं हमारे पास कौन, शशांक, कौन जीत रहे हैं जी, शशांक इज विनिंग दिस क्विज। शशांक बेटा आपको बहुत 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 मुबारक हो इसको इसको जीतने पर, शाबाश, यू प्लेड एक्सट्रीमली वेल, आपने बहुत अच्छा करा। एंड यहाँ पर बेटा आज हमने 45 मिनट्स में बेटा इस क्विज को कंप्लीट कर लिया, सो दिस इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा, ठीक है। अगर आपने सेशन को बेटा एंजॉय किया है तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ लाइक दिस सेशन, इस सेशन को लाइक करें और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो बच्चे भी इन ऑसम क्वेश्चंस को पढ़ पाएँ, समझ पाएँ, ठीक है जी। चलें जितनी बात समझ आ गई है, ओके बेटा, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय। हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, ये सेशन कम्प्लीट होता है। शशांक आप इसका स्क्रीनशॉट लें और मुझे शेयर करें, ठीक है, चलें ओके बेटा। बात को हम वापस चलते हैं हमारे अपने पास, ये वाला पार्ट हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। सो हेयर वी वर, हम यहाँ पर थे। तो जैसे कि बेटा मैंने आपको बताया था, अभी आज मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि हमारी क्या होने वाली है बेटा, अन अकेडमी की हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात, पहले इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, ये सारी बातें मैं आपको बता दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है बेटा। रिविजन सेशन होने वाला है और बेटा मेरी बहुत सारी क्लासेज यहाँ पर चलने वाली हैं, ठीक है जी, चलें पक्का। तो बेटा देखो यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स हैं और बेटा ये सुपर अमेजिंग रिवीजन सेशंस लेने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे क्या करें, इन रिवीजन सेशंस को अटेंड करें। डू अटेंड दीज रिवीजन सेशंस बेटा, ये आपको बहुत फ़ायदा देंगे, क्योंकि सबसे बेस्ट टीचर्स हैं, इंडियाज़ बेस्ट टीचर बेटा, इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर बेटा प्लस पे क्लासेस लेते हैं, बट अब ये बेटा स्पेशल क्लासेस ले रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ठीक है ना। इंडियाज़ बेस्ट टीचर्स आर हेयर, ध्यान कर लो, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं तमन्ना चौधरी, डॉक्टर अमित बाजपाई, प्रदीप चितोरा, प्रतीक जैन, वैभव कुमार, अमित गुप्ता, रोहित मनरो, ठीक है ना, सौरभ शर्मा, आशीष दीवान, अजय कुमार, मोनिका मिश्रा, रक्षिता, पीयूष कमल, ठीक है, सौरभ शर्मा, विकास जहांगीर, आपने इन सबके नाम सुने होंगे बेटा, बहुत फेमस नाम है अगर आपने सुना होगा तो, रमेश शारदा, प्रकृति भोंसले, रवि प्रकाश, प्रणव सुंदरेक, ठीक है ना, गरीब, आपने इन सब में से बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जब आप यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो ये आपको वहाँ पर नज़र आते हैं, आपको एडवर्टाइजमेंट में नज़र आते हैं, ठीक है। तो आप इसको क्या करें, इसको आप ज्वाइन करें इसको इसको, ठीक है ना। राजकुमार सिंह सर, गौरव वर्मा, तमुगना घोष, अनमोल शर्मा, रंजीत शाही, डॉक्टर एस के सिंह सर, डीसी पांडे सर, तो बेटा इनमें से कुछ ऑथर्स भी आप समझ पा रहे हो तो कितनी बड़ी बात है। मतलब डीसी पांडे सर की हम बुक्स पढ़ते थे, अब डीसी पांडे सर आपको फिजिक्स पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, तो सोचो कितनी बढ़िया बात है ये, ठीक है। आप इनसे अटेंड करें बेटा, ये नीट फुल कोर्स बेटा रिविजन हमारे पास रिविजन है, टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। डू अटेंड दिस सेशन, दिस सेशन इज एब्सोल्युटली फ्री बेटा, ये सेशन पूर्ण रूप से आपके लिए बिल्कुल फ्री होने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ 8 दिन तक चलेगा, 1 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक। 13 सितंबर को आपका नीट का पेपर कंफर्म हो चुका है, ठीक है ना, 13 सितंबर को ये कंफर्म है कि आपका एग्जाम होना है, ठीक है। तो उसको आप ज्वाइन करें, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और कैसे चलने वाला है अपने पास ये बेटा, होने वाला है अपने पास ऐसे ही, यहाँ पे आपको 10 डेज प्लान दिया जाएगा, ठीक है ना। इसको हमने बोला क्या, रिविजन
जिसको हम बोलते थे कि हम बोलते हैं ना मैराथन बोलते हैं, तो हमारे पास ये रिविजनथन है, ठीक है। इसको आप ज्वाइन करें, ठीक है ना। स्ट्रैटेजी आप देखो यहाँ पर पांच चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इन 10 डेज प्लान्स के लिए। पहला जो हमारे पास जीरो डे है, जीरो डे मतलब हमारे पास 1 सितंबर, इस टाइम पर क्या करेंगे, आपकी स्ट्रैटेजी बताई जाएंगी और आपको समझाया जाएगा कि यस कि अगर आपकी तैयारी इतनी है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमारी तैयारी सिर्फ 85% है, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बहुत बच्चों को वाली फीलिंग आती है कि यार तैयारी तो है नहीं, तैयारी तो है नहीं, तो पेपर में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर आपको भी बेटा ये वाली फीलिंग आ रही है तो आप क्या करें बेटा, आप ये सेशन ज़रूर अटेंड करें। इट इज़ मोर लाइक अ सेमिनार, बहुत सारे टीचर्स वहाँ पर आएंगे, ठीक है ना। 24 एजुकेटर्स आ रहे हैं 65 आवर्स के लिए, 65 सेशंस लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। सो डू अटेंड दिस सेशंस, ठीक है। 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक ये सेशन हमारे पास चलेंगे, तो प्लीज़ अटेंड। आपके बेनिफिट के लिए बता रहा हूँ, मतलब इससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं है या अनअकैडमी को इससे कोई बेनिफिट नहीं है बेटा, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। आप समझ रहे हो मेरी बात को, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका बेनिफिट सोचकर उन लोगों को बोला गया कि अब आप अपनी जो प्लस पे आप क्लासेस लेते हो, जो क्लासेस पेड होती हैं उनको छोड़कर आप यहाँ पर बच्चों के लिए आ जाओ और यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस करें, ठीक है ना। फ्री क्लासेस आप यहाँ पर करें, ठीक है जी, समझ पा रहे हो। ओके, ठीक है जी। और इसके बाद बेटा 10 तारीख को बेटा 9 सितंबर, मतलब कि 10 AM को, 10 तारीख नहीं, 9 सितंबर को, 9 तारीख को सुबह 10 बजे बेटा अनअकैडमी की ऑल इंडिया फ्री ग्रैंड मॉक टेस्ट सीरीज है बेटा, जिसको एक्सपर्ट्स ने बनाया। आप समझ पा रहे हो वाली बात कितनी इंपॉर्टेंट है वाली बात बेटा, इसको एक्सपर्ट्स ने बनाया है। और आप ये पेपर देके देख लेना, ठीक है ना। हो सकता है कि इस पेपर में से 30 से 40 सवाल आपको सीधे नीट में दिख जाए, ऐसा भी हो सकता है, हाई चांसेस है बेटा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं टेस्ट सीरीज बनाता हूँ, मैं कोई पेपर बनाता हूँ ना जिसको मैं ग्रैंड मॉक टेस्ट सीरीज कहता हूँ, तो बेटा उसमें डायरेक्ट पेपर में नजर आते हैं, तो मेरे को पता है कि जहाँ पे जो एक्सपर्ट्स ने पेपर बनाया है, तो बेटा यहाँ पर आपको नीट में बेटा डायरेक्ट आपको सवाल बने हुए यहाँ से नजर आ रहे होंगे, ठीक है जी। चले आगे, तो बेटा आपके लिए है ये। तो सर इसको हम अटेंड कैसे कर सकते हैं बेटा, बहुत ही सिंपल तरीका है अटेंड करने का, आपने करना है, यू हैव टू गो। आपने कहाँ पर जाना है, यू हैव टू गो ऑन दिस अनअकैडमी लर्निंग ऐप, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप जाएं यहाँ पर, ठीक है ना। इसको आप इंस्टॉल कर लें, क्या कर लें आप इसको इंस्टॉल कर लें, सर इंस्टॉल तो कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, व्हेन यू वंस इंस्टॉल इट, जब आप इसको एक बार इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पर लॉगिन भी करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप लॉगिन करें अपने नाम को डालकर, ठीक है ना, डू लॉगिन योर सेल्फ, अपने आपको लॉगिन कर लें यहाँ पर, ठीक है। और देखो प्लस की बात मैं आपको बात बताऊंगा, वो एक अलग मैटर है, ठीक है ना। पर अभी ये जो बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग के लिए बेटा इतने सारे टीचर्स पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए करना है आपने, इस पर जाना है आपने स्पेशल क्लासेस पे, कहाँ पे जाना है आपको, जाना है स्पेशल क्लासेस पे क्लिक करना है, और स्पेशल क्लासेस पे क्लिक करने के बाद आप उन बच्चों से जुड़ सकते हैं, ठीक है, उन टीचर से जुड़ सकते हैं, वो टीचर्स वहाँ पे पढ़ा रहे होंगे, आप उन क्लासेस में जाकर बैठ सकते हैं, ठीक है जी। एक बात तो ये, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये, जो प्लस के लिए जो मैं आपको रेफरेंस के लिए बताना चाहता हूँ, ठीक है, जो बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं और दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2021, या जो बच्चे बेटा 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो अपना गोल जरूर सेलेक्ट कर लें अभी के अभी, ठीक है, और नीट अपना गोल सेलेक्ट करें, आगे बढ़ें और क्लिक करें इसमें गेट सब्सक्रिप्शन वाले पार्ट पर। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस गेट सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट, यहाँ से सब चीज़ें क्या हो जाएंगी बेटा, ओपन हो जाएंगी, दिस थिंग्स विल ओपन, एंड वंस दे ओपन, जैसी क्या होती है बेटा, जैसी ओपन होती हैं, ओपन होते ही यहाँ से आपसे पूछ लेगा कि आपको कौन सा प्लान चाहिए, कितने टाइम के लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए। क्योंकि अभी जो मैंने आपको टीचर्स बताए थे बेटा, जो ऑल इंडिया के बेस्ट 56 टीचर्स हैं, 56 टॉप एजुकेटर्स जो हैं, ठीक है ना, ये पूरे साल तो बेटा यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए बेटा आपको कि आप उनसे प्लस पर जाकर पढ़ाई पढ़ लें, जो 2021 और 2022 के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना आपने, आप अपना जो प्लान चूज कर लें, इफ़ यू आर इन क्लास 12th और यू आर अ ड्रॉपर, देन यू आप चूज करें बेटा अपना ये वाला प्लान, 12 मंथ्स वाला प्लान चूज करें, बहुत सिंपल प्लान है वाला, चूज दिस प्लान, ठीक है। और अगर आप क्लास 11th में हैं तो बेटा आप ये 2 साल का सब्सक्रिप्शन लो, ठीक है ना, 24 मंथ्स का, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो टॉप एजुकेटर्स हैं बेटा वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स पढ़ाते हैं, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ों को पढ़ाते हैं, ठीक है। और बेटा वहाँ पर वो आपकी क्लासेस लेते हैं, क्लासेस तो चलती चलती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, आपके डाउट सेशंस हुआ करते हैं, वो टीचर जब जिससे भी आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, फिजिक्स आप जिससे टीचर से पढ़ेंगे, केमिस्ट्री टीचर से पढ़ेंगे, या इनफैक्ट अगर आप बायो भी किसी और टीचर से पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो टीचर्स बेटा आपको असाइनमेंट्स देंगे, वो टीचर्स बेटा आपको टेस्ट देंगे, बेटा उनका डिस्कशन होगा, डिस्कशन क्लासेस वहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो आप उसको ज्वाइन करें, ठीक है। तो सर ज्वाइन कैसे करना है बेटा, ज्वाइन करने के लिए आपने इस कोड को यूज़ करना है, दिस इज अ वेरी सिंपल कोड, आप इस कोड को यूज़ करेंगे, दिस कोड इज़ विशेष, ठीक है, इस कोड को आप यूज़ करोगे। कोड को यूज़ करने का 2 फायदा, एक तो आपको पर्सनल मेंटोर मिल जाएगा, कौन, मैं खुद, मैं आपको मेंटोर करूँगा पूरा, ठीक है जी, ये करें। और साथ ही साथ बेटा, साथ ही साथ क्या करना है आपने, यहाँ पर क्लिक करना है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि अपने पास के सब्सक्रिप्शन का अमाउंट, तो सब्सक्रिप्शन अमाउंट 3000 आएगा बेटा 1 ईयर के लिए। आप कोड अप्लाई करेंगे, दिस कोड विल गिव 10% डिस्काउंट, आपको 10% डिस्काउंट पर डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। और एंड इफ यू आर
taking for if you are in class 11th and you want the subscription for 2 years, कि मैं तो 2 साल पढ़ाई करूँगा, मैं अपने 1 साल आराम से 11th फिजिक्स सेमेस्ट्री बायो पढ़ूंगा, फिर मैं 12th में आराम से अपनी फिजिक्स सेमेस्ट्री बायो 12th में पढ़ूंगा, तो 2 साल की सब्सक्रिप्शन चाहिए, और उसके साथ मुझे टेस्ट भी चाहिए, मुझे असाइनमेंट चाहिए, मुझे डाउट सेशन चाहिए, मुझे पर्सनलाइज अटेंशन चाहिए, तो बेटा उसके लिए क्या करें, उसके लिए बेटा आप क्लिक करें यहाँ पर, ये हमारे पास है कितने का जो कॉस्ट है 36,000 है, बट आप कोड लगाएंगे मेरा विशेष, तो दिस विल बिकम 10% डिस्काउंट के बाद बेटा बन जाएगा 32,400 का। और बेटा आपको वहाँ पे मौका मिलेगा बेटा, कितने टीचर से पढ़ने का, 56 टीचर्स के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का आपको वहाँ पे मौका मिलेगा, तो डू अटेंड दैट सेशन बेटा, उस सेशन को आप अटेंड करें, ठीक है, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है जी। चलिए बेटा तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है ना, ये आपकी हमारी टीम है, आप हमारी टीम को ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। आप हमारे पास मंडे टू वेडनेसडे बेटा, मंडे टू वेडनेसडे बेटा मैं आता हूँ शाम को 6 बजे, मेरा टाइम ध्यान कर लेना, मैं यहाँ पर बच्चों को नीट 2021 के लिए और 2022 के लिए पढ़ा रहा हूँ, समझ पा रहे हो मेरी बात को, ये मैं बता रहा हूँ आपको, 6 बजे शाम को आता हूँ मैं, ठीक है, सो डू अटेंड दिस सेशन, ठीक है। और साथ ही में जो बच्चे 2022 के लिए 2020 के लिए पढ़ रहे हैं मेरे से, उन बच्चों के लिए बेटा मैं आता हूँ कब, यहाँ पर, ठीक है ना, विशेष सर आते हैं, मतलब कि मैं 8 बजे, सो अटेंड दिस सेशन ऑल्सो, ठीक है, चलें। और अगर आप देखना चाहते हैं 12th के लिए, तो सर हम 12th कैसे पढ़ेंगे, तो बेटा 12th के लिए बेटा गगन सर आते हैं, आप गगन सर की क्लासेस लें, ठीक है ना, ही इज़ ऑल्सो एन अमेजिंग टीचर, ठीक है ना, बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, तो क्लास वो करो, क्लास 11th बेटा मैं करवा रहा हूँ और क्लास 12th वो करवा रहे हैं, ठीक है ना, आप पढ़ते रहें बेटा। इसी तरह से बेटा हम प्लस पे पढ़ाने के लिए भी आएंगे, ठीक है ना, पर प्लस पर हो सकता है कि हम बॉटनी जूलॉजी डिवाइड करके पढ़ा रहे हूँ, इस बात का भी ये भी रीज़न हो सकता है, ठीक है, 2020 के लिए, इस साल के लिए, तो बेटा मैं आपके साथ हमेशा सदैव तत्पर हूँ। और अभी इस सेशन को खत्म करते ही आप मेरे से पढ़ने के लिए आ जाओ बेटा, मैं अभी यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ कहाँ पे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, अभी ठीक 2 बजे, इसके तुरंत बाद मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्या, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जस्ट मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज करवाने वाला हूँ, 60 क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा, 60 क्वेश्चन कितनी देर में, मात्र 1 घंटे में, 1 आवर क्लास में बेटा 60 क्वेश्चन करवाऊंगा, और पूरा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज मैं अभी आपको रिवाइज करवा दूंगा, डू अटेंड दैट सेशन ऑल्सो, ठीक है। हमारा टेलीग्राम ऐप पे जो ग्रुप है इसको आप करेंगे www.t.me जस्ट नीट चैनल बेटा, इसको आप ज्वाइन कर लें, ठीक है, इस पर आपको बेटा PDFs, स्टडी मटेरियल बेटा सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा, सो डू अटेंड दिस, ठीक है ना, डू ज्वाइन दिस, ठीक है जी, पक्का है, अरे हाँ या ना, ठीक है जी, ये वाला पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना, फॉलो करें बेटा हमारे चैनल को जस्ट नीट, क्योंकि चैनल आपका है, आपके लिए हम सब कुछ करवा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, बेल आइकन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है, PDFs डाउनलोड आप हमारे चैनल से नीचे से कर सकते हैं, सारी PDFs नीचे अवेलेबल रहती हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना, और ये जो हैशटैग है बेटा जस्ट नीट लाइव डेली बेटा, इसको ट्रेंडिंग पे ले आएं, चलें जी आगे, ठीक है ना, तो तब तक बेटा ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अभी ठीक 2 बजे कहाँ पर, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, किसके साथ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के सुपर 60 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए